शिट, अब क्या करें। लो जी दुकान तो खुली हुई है, अब पता नहीं दुकान पे होगा कौन। प्रेमियों के लिए भी अच्छी जगह है। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे ब्लैक बॉक्स में क्या है, जो इतने दिन से मिस्ट्री बनी हुई थी। रिस्क लेके उड़ा तो रहे हैं, यहाँ पे हवा भी काफी चल रही है। पिछले जन्म का कुछ चक्कर है ब्रो। ओ भाई गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:30 और आज हम जा रहे हैं अपनी संडे राइड पर। ये देखो हमारी वाणी सुबह सुबह उठ गई है, ये देखो सुबह सुबह स्माइले देती है, सारा दिन बढ़िया निकल जाता है हमारा। आप भी बड़े हो जाओ फिर हम दोनों जाया करेंगे, ठीक है, घूमी घूमी करने चले चले, घूमी घूमी करने चले, हम जाएंगे घूमी घूमी करने चले। सो गाइस रेडी होके निकलते हैं फिर राइड के लिए। ये हैं हमारे को पायलट आज की राइड में। फाइनली इस ब्लैक बॉक्स में क्या है वो भी आज आपको पता चल जाएगा, बस बने रहना आज के ब्लॉग पर। A few moments later. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल प्रिंस जॉन। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और अभी हम निकल रहे हैं राइड के लिए। सुबह 5 बजे जाना था, इसने लेट करवाया जो पीछे वीडियो बना रहा है। सो चलो फिर चलते हैं, आज राइड पर फर्स्ट राइड है हमारी, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहना ब्लॉग पर और ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहना और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस फिर आज फर्स्ट राइड हमारी, ऑल सेट। अभी ना सुबह सुबह शीशे के आगे थोड़ी थोड़ी फोग जम रही है। सो गाइस ये है हमारी फर्स्ट राइड ऑफिशियली, कितने दिनों के बाद आज राइड करने का मौका मिला है। ये शुक्र है कि हमारा माउंट जो है वो टाइम से आ गया, वरना मुझे लगता नहीं था कि इतनी जल्दी अमेजोन वाले डिलीवरी दे देंगे। सो कैसा व्यू आ रहा है अभी मुझे नहीं पता, और कैसी वॉइस आ रही है ये भी अभी मुझे नहीं पता, ये मैं चेक करूंगा अभी कहीं पे रुक के। पेट्रोल वगैरह तो डलवाने की जरूरत है नहीं, वैसे टैंकी फुल ही है, जब से इसका टैंक फुल कराया मैंने चलाई नहीं दोबारा ये। सो गाइस फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जग्गी सिटी सेंटर, क्योंकि सुबह सुबह चाय पिए बिना निकल आए और चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। सो सबसे पहले पियेंगे वहाँ रुक के बढ़िया सी चाय, फिर आगे के लिए निकलेंगे। वैसे तो हमें अपोजिट साइड पड़ रहा है, सिर्फ चाय के लिए हम 3-4 किलोमीटर अपोजिट आए हैं, तो चाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। ये आ गया जी जग्गी सिटी सेंटर। अरे शिट अब क्या करें, वो चाय भी नहीं मिली हमें, चले आगे पी लेंगे कहीं पे। चलो वैसे तो यार कल से ना मेरे लोअर बैक में बड़ा पेन हो रहा था, बट फिर भी यार आज राइड करनी थी, दिल था काफी ना, क्योंकि जब से बाइक ली है एक भी बार राइड पे नहीं जा पाया। अभी तो हम अम्बाला में ही घूम रहे हैं, चाय पीने के लिए गए थे और चाय हमें मिली नहीं सुबह सुबह। आप देखते हैं आगे कहीं पियेंगे। देखो सुबह सुबह लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, हम सुबह सुबह राइडिंग कर रहे हैं। बाकी व्यू कैसा आ रहा है बताना गाइस कमेंट करके। लोकल लोकल राइड कर करके ना अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल बना रहा हूँ बाइक के लिए, क्योंकि आगे जो ट्रिप्स मेरे आने वाले हैं वो काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स हैं बाइक पर। सो उसके लिए अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले आज से पहले कभी बाइक राइडिंग ना की नहीं है। कि आज भी जहाँ हम जा रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, आपको पसंद आएगी, वहीं जाके हम अपने ब्लैक बॉक्स को रिवील करेंगे। बने रहो बस आप ब्लॉग पर और ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहो। ये आ गया जी टोल टैक्स, और अपना तो टोल कटेगा नहीं, हमारे पास तो है बाइक, आदत नहीं है ना बाइक की। अभी मैं गाड़ी वाली लाइन में जाने लगा था। यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट स्टॉपेज चाय के लिए, अब देखते हैं। यहाँ पे हम आए हैं अपने भाई की दुकान पे, अब पता नहीं वो है या नहीं है। अभी वैसे टाइम तो 8 बज चुके होंगे, शॉप तो खुल गई होगी उसकी। सो हमें जग्गी सिटी सेंटर तो चाय मिली नहीं, तो सोचा क्यों ना भाई की दुकान पर बैठ के चाय पी जाए और फिर निकलेंगे आगे के लिए। बाकी बाइक चला के मज़ा होता रहा है यार, बड़ी कम्फर्टेबल बाइक है डोमिनार ना। वो देखो लोग ना आजकल कैसे, ये देखो देखो कैसे मोड़ रहे हैं, ना इंडिकेटर ना कुछ। लो जी दुकान तो खुली हुई है, अब पता नहीं दुकान पे होगा कौन। हेलो गाइस व्लॉग चाह रहे हो तुसी। A few moments later. तो गाइस अभी भाई की दुकान पे चाय पीते पीते हमें 9 बज गए, सो अभी निकले हैं हम आगे के लिए। सो आप इंजॉय करो थोड़ा सा रास्ता। फाइनली गाइज हम उस रोड पे आ चुके हैं जहाँ हमने जाना है, और हम जा रहे हैं मोरनी। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेस है घूमने के लिए, अगर आपको संडे राइड वगैरह पे जाना है। संडे राइड के लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है।
प्रेमियों के लिए भी अच्छी जगह है। काफी सारे कपल्स भी आते हैं यहाँ पे। मैंने अभी फुटेज चेक की थी और उसमें थोड़ी सी साउंड आ रही है चर चर की, तो वो थोड़ा मैनेज करना, वो देखूंगा यार क्या हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा मुझे, तो वो देखेंगे कि क्या किस इशू की वजह से वो हो रहा है। सो गाइस ये देखो जरा कहाँ आ चुके हैं हम। तो बाइक कहाँ खड़ी है हमारी? रंगी उधर लेके चले बाइक को, उधर हैं उधर से मुड़े भी ना, भारी है ना बहुत ज्यादा। चलो देख के आते हैं। ये देखो सेल्फी के चक्कर में कहाँ तक चला गया, सेल्फियां भारी पड़ जाती हैं, कई बार पीछे से कहीं शेर आके गए धप्पा। इतना सेल्फिश ना हो, आजा। हिल एरिया में आके ना कान भी बंद होने लग जाते हैं अपने आप, थोड़ी थोड़ी ना हवा की वजह से शायद। अभी यहाँ से हमें किधर जाना है? इधर के इधर अपने को 11 किलोमीटर और जाना है। मुझे लगा 1 किलोमीटर रह गया। रेंकित को तो यही लग रहा है कहीं मैं इसको पहाड़ी से ना गिर दूं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। यहाँ रुकते हैं यार, ये सही है। अभी ब्रेक लिया जा रहा है। हेलमेट उतारने के बाद वालों की हालत ख़राब हो जाती है यार। एक तो ये ब्लैक पैंट डाल के आ गया और हालत देखो, ब्लैक पैंट की मिट्टी से क्या ही हालत हो गई है। ये खड़ा जी हमारा ब्लैक मॉन्स्टर, बड़ी ज़बरदस्त मशीन है ये। सो ब्रो पार्टी का सामान कहाँ है हमारी? ये रखा है, ये है हमारी पार्टी का सामान और अभी चलेगी हमारी पार्टी। ये ठंडे वाली निकाली है कि कौन सी निकाली है? ठंडे वाली हैं, ठंडे वाली है, ठंडे वाली है ये। सो फाइनली फिर बता दे अपने सब्सक्राइबर्स को कि हमारे बॉक्स में क्या है, ब्लैक बॉक्स में। अभी बताओगे कि पार्टी करके बताएं? अभी बताओगे। गाने तो चला ले थोड़े से, कोई पार्टी करने आए हैं ब्रो। बट कमर मेरी दर्द हो रही है, मैंने बताया ना मेरे लोअर बैक में पेन हो रही थी, पता नहीं वो पेन किस वजह से हो रही है। मैंने एक्सरे भी करा लिया, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, सब एकदम ओके, सब कह रहे एकदम झोटे जैसा पड़ा है तू। कंट्रोल। और फिर लड़के नेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, लड़के नेट थोड़ी आएगा यहाँ पे, हम मंगल ग्रह पे आ गए हैं। ये पीछे बैठे डर रहा था मेरे से, बाइक राइडिंग मेरी है ना तगड़ी, फिर उतार देता हूँ मैं, एक मिनट में गिर देता हूँ बंदे को। आर यू कॉमेडी मी? ऐसे पता नहीं लगता बंदा कब गिरता है, तो डर नहीं गया था। अच्छा आप तो ऑफ रोडिंग भी कर रहे थे खड़े होके। ऑफ रोडिंग नहीं, अपने आप उतर गई थी ऑफ रोड से। मैं कहा तुझे डरा तू डर जाएगा, मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्शन कर दिया, मैं कहा ऑफ रोडिंग हो रही है, मैं पता लगे अपने आप उतर गई थी रोड से। हैंडल ही बहुत भारी है इसका, ऐसे कर रहा है और रोड से उतर गया, कह ले अब तो डर जाएगा बीच में। फिर थोड़ा एक्शन करने लगा मैं, और ब्रो कैसी लगी ऑफ रोडिंग? तो अभी हम करेंगे पार्टी, आप बने रहो व्लॉग पर, व्लॉग को लास्ट तक देखे जाना, आज के व्लॉग में मजा आएगा, ऐसे ही आगे जितने ही व्लॉग आएंगे सब में मजा आया करेगा। हाँ ये एनर्जी ड्रिंक है, कभी लोग सोचें बियर पी रहे हैं, शरीफ लड़के हैं हम। बढ़िया लगी यार मुझे तो ये ना हेल्प। ये देखो लोग आ रहे हैं राइडिंग करते हुए, वो देखो राइडिंग करते हुए लोग जा रहे हैं। ओ भाई साहब बुलेट भी बेचारी कह रही होगी। क्या है? ई का है? ई का है, बिठा दिया चलो ऊपर। सो गाइस पार्टी हो चुकी है हमारी ख़त्म। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे ब्लैक बॉक्स में क्या है, जो इतने दिन से मिस्ट्री बनी हुई थी। सो फिर फाइनली निकाला जाए हमारे बैग में से हमारा ब्लैक बॉक्स, जल्दी जल्दी दिखाया जाए कि हमारे ब्लैक बॉक्स में है क्या। ये है जी हमारा ब्लैक बॉक्स। सबसे पहले तो आप इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये है DJI, ये है DJI का प्रोडक्ट। सो अभी ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए ब्लैक बॉक्स को खोला जाए, और इसके अंदर है ड्रोन। क्लैपिंग क्लैपिंग पहले क्लैपिंग। तो गाइस हमने ड्रोन भी ले लिया है, सो अभी आपको ड्रोन शॉट्स देखने को मिलेंगे बढ़िया बढ़िया। सो अभी हम उड़ाएंगे ड्रोन और आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स। सो ये है हमारे पास DJI का ड्रोन मैविक मिनी 2। सो काफ़ी अच्छा ड्रोन है, बस आई थिंक यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया ना हो तो फिर इसको उड़ाते हैं अभी। सो इसकी बंदूक में गोली डाली जाए। सो अभी ड्रोन को उड़ाते हैं और आप करो इंजॉय ड्रोन फुटेज। फिर हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने घर पे उड़ाया था ड्रोन बट पता नहीं कैसा उड़ेगा ये, और पता नहीं हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो अभी आप इंजॉय करो फिर ड्रोन शॉट्स, पता नहीं क्या होगा, रिस्क लेके उड़ा तो रहे हैं, यहाँ पे हवा भी काफ़ी चल रही है ना इतनी हवा से, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे। 1 2 3 टेक ऑफ। We'll be right back.
गाइस अभी तक आपने जितने भी ये ड्रोन शॉट्स देखे ये मैंने बड़ा ही डर डर के लिए हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ड्रोन कहीं गिर भी ना जाए, क्योंकि डर तो डर है ना यार। सो अभी चलते हैं आगे टिक्कर ताल और वहाँ जाके फिर बढ़िया बढ़िया शॉट्स और लेंगे। सो अभी हमारे राइडर चेंज हो चुके हैं, अभी हमारे लिए राइडर ये हैं। सो राइडर साहब चलें, गेरोगे तो नहीं हैं? चलो जल्दी। ये देखो गाइस यार क्या सही व्यू है, यहाँ से ड्रोन उड़ाने का मजा तो बहुत आया, बट आई थिंक ड्रोन उड़ान नहीं दे रहे हमें यहाँ पे ना, क्या करें फिर हैं? तो नदी नाले में जा रहे हैं हम, तो यहीं तो खड़े सड़क पे ड्रोन उड़ा रहे कर नदी नाले में जा रहे हैं हम। सपने में आ रही थी वाली जगह हैं, सपने में आ रही थी। पिछले जन्म का कुछ चक्कर है ब्रो, या ब्रो पिछले जन्म का कुछ तो लफड़ा है, देख के ऐसे ही लग रहा कुछ तो लफड़ा है। लोग थोड़ा सा लंबा होगा पर हर एक जगह दिखाने वाली है, इंपॉर्टेंट है। सो गाइज हमें यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है ड्रोन उड़ाने की, सो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि हम यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं, तो उन्होंने बड़ा चढ़ा उड़ा लो। सो हम यहाँ से ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको क्या ही सही व्यू आएगा। सो ये थे कुछ ड्रोन शॉट्स हमने ले लिए हैं, जैसे भी आए होंगे बता देना। बाकी अपनी तरफ से तो अभी हम अनप्रोफेशनल है, थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं और बेटर करने की, क्योंकि ना ड्रोन कभी उड़ाया नहीं है, फर्स्ट टाइम ड्रोन उड़ा रहा हूँ। सो अभी चलते हैं आगे टिक्कर ताल। चलें जी पायलट जी, पाओ हेलमेट फिर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये देखो आ चुके हैं टिक्कर ताल, है ना। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं यहाँ पे, स्पीड बोट वगैरह, पैराग्लाइडिंग। सो फैमिली के साथ आके इन्जॉय कर सकते हो आप। तो ये गाइस प्राइस यहाँ का, अगर आपको जेट स्कूटर राइड करनी है 1000 तीन मिनट के लिए, पैरा सीलिंग 500 रुपये और पैरा मोटर है 1500 रुपये पर राउंड। वो हो रही है वहाँ पे, वो गाड़ी से करवा रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा इससे तो, पता नहीं ड्रोन उड़ाने देते ना तो दिखा देते हम। यहाँ पे अगर आप आते हो बोट वगैरह चलाने के लिए तो ये सारे चार्जेस लिखे हुए हैं। तो वो देखो वो जा रही बोट। सो अभी ड्रोन उड़ाने की कोशिश की जा रही है, पता करना पड़ेगा कि उड़ाने देंगे कि नहीं उड़ाने देंगे। सो गाइस अभी हमें यहाँ पे ना एक नई चीज़ पता चली है, सो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लें। ड्रोन पूछने गया था ड्रोन उड़ाने के कितने चार्जेस हैं, पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे नहीं उड़ा सकते, फिर इसने पूछा हम पैसे दे देंगे। वो कहते 12000 रुपये, कितने 12000 रुपये बताओ, 12000 रुपये ड्रोन उड़ाने। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। इतना कौन सा है, बुर्ज दुबई है क्या ये, बुर्ज खलीफा है यहाँ पे बताओ, हमारा घर नहीं उड़ाते। एक तो हम इनकी प्रमोशन कर रहे थे फ्री में, ड्रोन उड़ाते हमारे सब्सक्राइबर्स देखते हैं यहाँ पे आते, तो इनका ही फायदा कर रहे थे हम तो। सो गाइस अभी यहाँ पे हम ड्रोन तो उड़ा नहीं सकते, खुद ही उड़ सकते हैं, उड़े हो पैराग्लाइडिंग से हैं, 500 रुपये लगेंगे, खुद उड़ के दिखा देते हैं हम सब कुछ, कैमरा लगा के अपने चेस्ट पे। तो धूप यार इतनी ज़्यादा दिखी है ना, पता नहीं वीडियो भी क्लियर आ रही होगी कि नहीं, जा सकते हैं 12000 रुपये लगेंगे। हाँ जा सकते हैं, वहाँ पे भी हमने फोटो शूट करा। अरे कृतिक और मैं आए थे यहाँ पे जब फोटो शूट कराने के लिए प्री वेडिंग का, कुछ भी नहीं था यार यहाँ पे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कुछ, ये तो थे बट ये एक्टिविटीज वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ पे, ये तो अभी बनी। सो गाइज अगर आप अपना संडे इंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पे बड़े आराम से आ सकते हो, संडे आपका बहुत बढ़िया निकलेगा इस बात की गारंटी है, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पे एक्टिविटीज हैं। ये देखो गाइज ये करेंगे हम भी, ओ अकेला ही लटका रखा इसने तो भाई हैं, पता नहीं कितने हैं वो देख, ओ ओ ओ, ओ, ओ भाई डर लग रहा है, हाँ पता लगे नदी में उतारने। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, ये पीछे आ रहा है हमारा कोपाइलट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया है दो मैगी, एक चाय और एक बकरी का दूध, भैंस का था प्लेटें थोड़ी बढ़ानी है, प्लेटें मतलब थाली, जैसे बुखार में प्लेटें गिर जाए ना, प्लेट कौन सी थालियाँ बढ़ा ले प्लेटें अंदर स्टील की थोड़ी सी। स्टील आयरन मैन बन जाएगा तो। ड्रोन उड़ाने का दिल कर रहा है, उड़ा लो यहाँ से, चलो उड़ाते हैं ड्रोन। सो अभी आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं।
लो गाइस ये आ चुकी है हमारी मैगी। को जी मैगी अपनी मैगी तो अच्छी बना रखी भैया ने। सो गाइस खाना हो गया फिनिश सारा और मैगी बनी थी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और अभी चलते हैं फिर घर पे और जाके करेंगे रेस्ट, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। चलें जी, चलो जी, बाइक तो ही चलाएगा। ठीक है जी, चलो चलें। सो गाइस अभी रुके हैं हम थोड़ा रेस्ट लेने के लिए अंबाला। कितने किलोमीटर रह गया होगा भाई? पता नहीं, अरे पीछे बैठे बैठे मेरी तो कमर टूट गई भाई। आगे बैठ के नहीं टूट। एक बंदे के लिए तो सही है भाई, के दो बंदों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पिछली वाली सीट बहुत हार्ड है, तुमने नोटिस किया? अगर एक पीछे अगर वो सपोर्ट लग जाए ना वो बहुत अच्छा, सपोर्ट भी लग जाए। एक तो मेरे लोअर बैक में वैसे ही पेन है। ओ यार क्या उड़ाएंगे, मिल गया अपने को बैठने की। दोबारा ड्रोन शॉट देखना चाहते हो आप? देखो फिर। अभी जो ये आपने ड्रोन शॉट्स देखे, ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे नए जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका ये ड्रोन शॉट्स जिनके साथ लिया गया है। सो ऐसे करके नए नए लोग हमें मिलते हैं, उनसे बातें करके अच्छा लगता है और ऐसे ऐसे ही सब्सक्राइबर हमारे जुड़ रहे हैं। तो आप अपनी सपोर्ट बना के रखना और बाकी सारे भाजी जड़े जी भाई सब्सक्राइब कर लो सारे चैनल में, पक्का वीडियो मेरी देख रहे होंगे जी। तो और बाकी मिलते हैं जी अभी घर जाके। 2000 years later फाइनली आज की राइड हुई कंप्लीट और घर पहुंच चुके हैं जी। फाइनली घर पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:54 और आज थकावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, सो भी करेंगे रेस्ट। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमारे चैनल पर आगे आती रहेंगी, सो आप हमारे चैनल पर आएँ और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।